मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ कुछ खतरनाक जानवरों को देखने। तुम्हें दिख रहा है? Oh my goodness! मैं पहली बार एक जानवर का बाइक लेने जा रहा हूँ। चलिए आजमा कर देखते हैं। जिनमें से एक सरीसृप के तेज नाखून मेरी खाल चीर सकते हैं। ये बहुत ही बड़े और बहुत ही पहने होते हैं। इसकी पूंछ का एक वार चमड़ी उधेड़ देगा। इनकी पूंछ बिल्कुल किसी हंटर की तरह होती है। और इस बार मैं जंगल में गैर कानूनी गतिविधियों का खुलासा करने आया हूँ। जरा इससे देखिए। लेकिन उससे पहले देखिए एक शातिर शिकारी से मेरी मुठभेड़। क्या होगा अगर मैं उसके बच्चों को छू लूं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या उनकी माँ मुझ पर हमला करेगी? लेकिन अंत में देखना यह है कि क्या मैं एक विष खोपड़ा का बाइट सह पाऊंगा। एक, दो, तीन। धरती का इतिहास करोड़ों साल पुराना है और उतने ही पुराने हैं कुछ जानवर जो आज भी जमीन पर अपने अस्तित्व को जमाए बैठे हैं। और उन्हीं में से एक है 9 करोड़ साल पुराना एक ऐसा प्रागैतिहासिक जानवर जिससे आज मैं मुलाकात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात हुई एक शातिर शिकारी से। तो अभी अभी मुझे कॉल आया है अपने बाग से, वहाँ पर घास काटने वाले लोगों को एक नहीं बल्कि 4-4 जंगल कैट के बच्चे दिखाई दिए हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर रवाना हो रहा हूँ। इससे पहले कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा ताकि मैं देख सकूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। अभी यहाँ से मुझे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन हो सकता है वो उसकी माँ ही हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, वाह, ज़रा इससे देखिए दोस्तों, इन्हें देख रहे हैं आप? ये है बहुत ही प्यारे प्यारे जंगल कैट के छोटे छोटे बच्चे जो कुछ ही दिन पहले इस धरती पर आए हैं। और इनकी आवाज़ भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। वैसे औसतन दिसंबर से जून के महीनों में ये बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये वाले कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। 2 और हैं वहाँ पर। चलिए उन्हें भी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। जंगल कैट्स साउथ ईस्ट एशिया के लगभग सभी देशों में पाई जाती है। और जब बड़े हो जाते हैं तब ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट, खूंखार और ख़तरनाक शिकारी में तब्दील हो जाते हैं। ये जीव हर छोटे मोटे स्तनधारी जीव को भी खा जाते हैं। इसके अलावा सांप, मॉनिटर, लिजर्ड्स, इन सारे जीवों का भी शिकार कर लेते हैं। पक्षियों को या फिर उनके अंडों को भी ये चट कर जाते हैं। और इस वक्त इन्हें मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा कम्फर्टेबल लग नहीं रहा है, शायद इसलिए मैं थोड़ा इन्हें नीचे रख देता हूँ। ऑलराइट, जब ये बड़े होते हैं तब ये लगभग 1 से 1.5 फीट तक इनकी हाइट विकसित हो जाती है। इस वक्त ये बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े होने के बाद ये काफ़ी बड़े होते हैं। और इनकी जो ये छोटी सी पूंछ है ये भी बहुत लंबी हो जाती है। ये कुछ कुछ तेंदुए की तरह लगते हैं जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब इनके शरीर पर डॉट्स और स्ट्राइप्स भी विकसित हो जाती हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके जो पंजे हैं ये इनके शरीर के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके पंजे आप देखेंगे औसत बिल्लियों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वैसे रेड फॉक्स, कश्मीर फॉक्स और लकड़बग्घे यानी कि हाइना के अलावा जंगल कैट भारत में एक ऐसी स्पीसीज़ है जिसे कानूनी संरक्षण हासिल है, यानी कि इन्हें मारना कानूनन अपराध है। और अगर आपने इन्हें मार दिया तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर ये घास यहाँ नहीं होती इनके प्रोटेक्शन के लिए तो जो भी होगा बुरा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये अपनी माँ की छत्र छाया में है तो ये सुरक्षित रहेंगे। देख रहे हैं आप किस तरह से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जंगल कैट्स की खासियत होती है कि ये जब बड़े होंगे तब ये बिल के अंदर भी रहते हैं। तो किसी लोमड़ी की तरह, किसी जंगली खरगोश की तरह ये बिलों में दाखिल हो जाते हैं ताकि शिकारियों से खुद की रखवाली कर सकें। एक यहाँ पर, ये देखिए, देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर घुस चुका है अंदर और दूसरा वाला यहाँ पर। तो जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर इनकी माँ दिख रही थी वो इसी बात का संकेत थी। और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि यहाँ पर
उसने अपने बच्चों को जन्म दिया हो, इसीलिए वो बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पर रहेंगे, बड़े हो जाएंगे और फिर रवाना हो जाएंगे अपनी माँ के साथ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लगभग 6 महीनों तक अपनी माँ की छत्र छाया में शिकार करना सीख जाते हैं। 6 महीनों बाद ये खुद अपने दम पर शिकार कर लेते हैं और लगभग 1 साल के बाद ये अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये बहुत ही प्यारे और दिलचस्प जीव हैं। बहरहाल इन नन्हे शिकारियों को इनकी छावनी में रखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस इलाके पर एक नज़र डाल लूं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी माँ भी दिख जाए। और करीब 4.5 घंटों तक यहाँ अन्वेषण करने के बाद मेरी किस्मत चमक गई। वो देखो सामने, देखो इधर, तुम्हें दिख रहा है? ओह माय गुडनेस, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये एक जंगल कैट है दोस्तों, जो इस वक्त पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी है मुझे देखने के बाद। और उसे भी मुझे देखकर शायद उतनी ही हैरानी हो रही है जितनी इस वक्त मुझे उसे देखकर हो रही है। लेकिन मुझे अपने करीब आता देख ये बौखलाई नहीं, इससे साफ होता है कि ये बाग में काम करने वाले लोगों को देखकर इंसानों की मौजूदगी की आदि हो चुकी है। वैसे आम बिल्लियों में और इस जंगल कैट में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हालांकि इसे देखकर मुझे लगता है शायद ये 9, 10 या 11 महीने की होगी, लेकिन ये और बड़ी हो सकती है। इसका आकार और रवैया देखकर लगता नहीं कि ये उन बच्चों की माँ होगी। अलबत्ता मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, मगर तब इसके तेवर बदलते दिखे। बाग में घास कटाई की वजह से ये पहले ही परेशान होगी और अब मैं भी इसकी परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता, लिहाजा हमने इसे दूर से फिल्माने का फैसला किया और कुछ ही मिनटों में ये हमारी नजरों से ओझल हो गई। बहरहाल दूसरे दिन मैं भी रवाना हुआ अपने नए अभियान पर। इसे देखिए, न जाने कितने ही सालों से ये गुफा यहाँ पर मौजूद है और दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए इस देवी के। आज से कई साल पहले यहाँ पर एक खुला इलाका हुआ करता था ठीक इस जगह पर, जहाँ से आप ऊपर जा सकते थे, लेकिन अब इसे इन लोगों ने सील कर दिया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इसके ऊपर जाने का एक दूसरा रास्ता तलाश करता हूँ, चलिए देखते हैं। ऐसी तंग जगहों पर दाखिल होने पर आपको हजारों टन वजन की चट्टानों का दबाव महसूस होता है और इसी अनुभव को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। मुझे यहाँ आए कई दशक बीत चुके हैं, तब यहाँ हर तरफ हरियाली थी, लेकिन अब मानो सब उजड़ गया है। आज मैं मुंबई से 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव आशागढ़ में आया हूँ। ये गांव एक टीले पर बसे संतोषी माता के मंदिर के लिए प्रचलित है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मंदिर में नहीं बल्कि उसके अहाते में लगे दुकानों में है। कुछ हफ्ते पहले यहाँ दर्शन लेने आए मेरे एक दोस्त ने एक शख्स को दुकान में ढेर सारे मोरपंख बेचते देखा। उससे पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यहाँ जंगल की फर्श पर झड़े हुए मोरपंख मिल जाते हैं और वो लोग उन्हें जमा करके यहाँ बेचते हैं, लेकिन मुझे शक है कि वो शायद पंख हासिल करने के लिए मोरों का शिकार करते होंगे और इस शक को यकीन में बदलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हो सकता है मेरे हाथ कुछ अप्रत्याशित लग जाए। पता है मुझे क्या मिला है? जरा इससे देखिए। वाओ, मैंने तो इन पत्तियों के साथ ही इसे उठा लिया। ये है एक छोटा सा प्यारा सा बैंडेड कुकरी, बहुत ही खूबसूरत होता है ये सांप। और मौसम में बाहर के इस वक्त ये सांप ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसीलिए आपको ये आम तौर पर दिखाई देंगे। वैसे उन झाड़ियों की छावनी में आराम फरमा रहा था और रात होते ही ये बाहर निकल आते हैं। निशाचर होने की वजह से ये अक्सर रात को सक्रिय होते हैं। वैसे इस बैंडेड कुकरी को आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि हर एक शहर में हर एक राज्य में एक सांप के अलग अलग नाम होते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल हवा में मौजूद पार्टिकल्स को सूंघने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि इंसान अपने नाक का इस्तेमाल करता है। इनकी दो मुहा ज़ुबान हवा में मौजूद तमाम पार्टिकल्स को इकट्ठा करके इनके दिमाग तक पहुंचा देती है और उसी से इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने शिकार है या शिकारी। ये तरकीब वाकई में ज़बरदस्त है। जंगल में सांपों का दिखना एक आम बात है, लेकिन इस इलाके में और भीतर जाने पर मुझे जो दिखा वो कोई आम बात नहीं। देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था और तभी अचानक से मेरा ध्यान गया इसके ऊपर। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है जिसे काटा गया है और कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ। जरा यहाँ पर आइए, ये देख रहे हैं, इसे देखिए, इसे दिखाने की कोशिश करो, देखिए कितनी होशियारी से इसे यहाँ पर छुपाया गया है। ये देखिए,
आप देख रहे हैं इसे? रुको 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 एक सेकंड, तुम्हारे पैर के पास भी देखो एक और पेड़ है, ये देखिए इसे भी यहाँ पर काटा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो शक लेकर के मैं यहाँ पर आया था अवैध शिकार का, वो शर्तिया तौर पर सही है। भले ही इस वक्त मुझे शिकार का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये सबूत भी किसी चीज़ से कम नहीं है। जंगल के अंदर आकर इस तरह से जंगली लकड़ियों को काटना भी कानूनन अपराध है, और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। सदियों से ऐसे पेड़ों की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है, और अब ये आलम है कि बहुतांश इलाकों में जंगल और जानवर महज कागजी नक्शों पर ही बचे हैं, लेकिन जानवरों के मामले में ये इलाका फिलहाल खुशनसीब है। मैं अभी आशागढ़ के जंगल में अवैध गतिविधियों का अन्वेषण कर रहा हूँ, और किस्मत से मेरी नज़र में वो जानवर आया जिसका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। सामने की तरफ एक मॉनिटर है, दिख रहा है तुम्हें? तुम इधर ही रुको, वो कैमरा दो मुझे, मैं नहीं चाहता कि हमारी भनक से वो भाग जाए। क्या बात है, हाँ भाई मॉनिटर लिजर्ड, ये एक छोटा सा बच्चा है। हो ये जानवर तो ज़बरदस्त है, आप देख रहे किस तरह से ये मुंह खोल रहा है। इसने अपने नाखून मेरी उंगली में धंसा दिए हैं, ये इसे डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये नाखून इतने तेज़ होते हैं कि आपकी त्वचा में धस सकते हैं। पता है आपको मॉनिटर लिजर्ड्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है लोगों द्वारा, वो यही है कि क्या ये लिजर्ड्स जहरीली होती है या नहीं। और मुझे लगता है कि उस सवाल का जो जवाब है वो बताने से बेहतर है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मॉनिटर का बाइट लेकर देख लूँ। अपने 20 साल के करियर में मैं पहली बार एक जानवर का बाइट लेने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ विज्ञान के खातिर। चलिए आजमा कर देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये अपना मुंह खोलकर मुझे काटने के लिए तैयार है। ओके ओ, 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 ओ। ये छोटा सा है लेकिन काफी ताकतवर है इसने मेरे। मैं जरा सा भी हिलता हूं तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हालांकि ये छोटा है, उसकी ताकत इसके मुंह के अंदर सुई नुमार छोटे छोटे तेज दांत होते हैं, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मानो 50 सुइयां मेरी त्वचा में धस रही है। अब छोड़ भी दो बच्चे, उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है। और मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि मॉनिटर लिजर्ड जहरीले नहीं होते हैं, और तो अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो शायद तब भी मुझे नहीं छोड़ेगा। भले ये जहरीले नहीं होते लेकिन इनके दांत आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए और विज्ञान के लिए मुझे अपनी उंगली कुर्बान करना तो तय था। हालांकि मुझे अपनी उंगली वापस मिलेगी लेकिन कब वो नहीं पता। अब छोड़ भी दो बच्चे। मॉनिटर लिजर्ड्स मांसाहारी होती है, और वो छोटे मोटे कीटकों को या फिर गिरगिटों को, पक्षियों को, अंडों को, यहाँ तक कि सांपों को भी खा जाती है। इसीलिए अगर आप एक सांप है तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक इंसान है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंसान को सिर्फ काट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसने तो मेरे पसीने छुड़ा दिए हैं। अब छोड़ भी दो बच्चे, अगर मैं इसे नीचे रख दूँ तो शायद ये रिलैक्स्ड होकर के मुझे छोड़ देगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। छोड़ दो। इसके बाइट की एक बुरी बात यह है कि इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो मैं जितना अपनी उंगली को बाहर खींचूंगा इसके दांत उतने ही भीतर धंसते जाएंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई चीज़ इसके मुंह में अपनी मर्जी से जा तो सकती है, लेकिन इसकी मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकती। आखिरकार 10 मिनट की जिद्दोजहद के बाद इसने मेरी उंगली मेरे हवाले कर दी है, और मेरी उंगली के ऊपर इसके दांतों के निशान है, लेकिन बहुत जलन हो रही है।
लेकिन अब इस प्रदर्शन को देखने के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि ना तो ये जहरीले होते हैं और ना ही इनके मुंह में कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो ये बिल्कुल भी हानिकारक जीव नहीं है और इनके प्रति हमारा जो डर है वो बेबुनियाद है। मॉनिटर लिजर्ट्स ने अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर करोड़ों सालों से अपने अस्तित्व को जमाया है। इस मॉनिटर का दिखना एक संकेत है कि यहाँ वन्य जीव पनप रहे हैं, लेकिन अगर बात करें मोरों की तो ना ही मुझे जमीन पर कोई पंख मिले और ना ही उनकी मौजूदगी का कोई सुराग। इससे दुकानदार की जंगल से मोरपंख जमा करने की बात झूठ साबित होती है और उनके अवैध शिकार का मेरा शक यकीन में बदल गया है। बहरहाल मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र और गुजरात की सरहद पर बसे एक छोटे से गांव में, जहाँ मेरे दोस्त ऋत्विक को किसी ने उनके घर में एक मगरगोह घुसने की जानकारी दी। ऋत्विक के निर्देशों के अनुसार बंगले की सफाई करते वक्त वहाँ उन लोगों ने उसे देखा था और उस बड़े सरीसृप को रेंगता देख वो लोग इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने काम ही बंद किया। अलबत्ता उसे वहाँ से हटाना जरूरी है। इसे देख रहे हैं आप, एक बंगाल मॉनिटर है। ये काफी बड़ी है और इस वक्त काफी डरी हुई भी। तो अब मैं इसे थोड़ा खुले में लेकर जाता हूँ ताकि हम इसे अच्छे से देख सके और फिर यहाँ से ले जा सके। मॉनिटर लिजर्ट को ही मगरगोह और विष खोपड़ा के नाम से जाना जाता है और भारत में पाई जाने वाली ये एक छिपकली की बड़ी प्रजाति है। जहरीला समझा जाने वाला ये सरीसृप हिमालय के पर्वतों के अलावा भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है और कभी कभार ये शिकार की तलाश में लोगों के घरों में घुसपैठ करता है। ये काफी फुर्तीला जानवर होता है और इस वक्त खुली हवा में आने के बाद देखिए आप कैसे शांत हो गया है। मैंने काफ़ी हल्के हाथों से इसकी पूंछ पकड़ के रखी है ताकि इसे ज़्यादा तनाव महसूस ना हो और अब मैं जल्दी से ही इसे पैक कर देता हूँ। हम इसे लेकर के जाएंगे जंगल में इंसानों से दूर। बहरहाल इसे आज़ाद करने के लिए मैं पहुंचा उसी गांव के करीब फैले एक जंगल में, जहां मुझे मॉनिटर लिजर्ड से जुड़ी उन कुछ बातों पर रोशनी डालनी थी जो जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। दिमाग से होशियार और रफ्तार में तेज, ये है क्रमिक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण, मॉनिटर। ये जानवर तो वाकई में जबरदस्त है। आप देख रहे हैं कितना प्रागैतिहासिक दिखता है ये। वैसे दुनिया में इनकी लगभग 79 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है, जिनमें से एक इस वक्त मेरे हाथ में है। भारत में पाई जाने वाली चार मॉनिटर लिजर्ड्स की प्रजातियों में से ये एक है और इसका नाम है बंगाल मॉनिटर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी हल्के हाथ से पकड़ कर रखा है, इसे मुझसे ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, इसीलिए ये बहुत ही इत्मीनान से यहाँ पर बैठी हुई है। मानो ये जिंदा भी है या नहीं, लेकिन यकीनन ये सही सलामत है और यही इन मॉनिटर लिजर्ड्स की खासियत होती है। वैसे मॉनिटर लिजर्ड्स लगभग 5 फीट तक बड़ी हो सकती है। दुनिया में पेनिनसुला मॉनिटर नाम की एक इनकी प्रजाति है जो दुनिया की सबसे छोटी मॉनिटर प्रजाति है और उसकी लंबाई लगभग 23 सेंटीमीटर की होती है। और दुनिया की सबसे बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स की स्पीशीज यानी कि कोमोडो ड्रैगन लगभग 9 फीट तक बड़ी हो पाती है। वैसे सवाल ये उठता है कि क्या मॉनिटर लिजर्ड जहरीली होती है या नहीं, और इसका जो जवाब है वो पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस लिजर्ड का बाइट लेकर देखना। और इस वक्त मैं अपना हाथ इस मॉनिटर लिजर्ड के जबड़े में डालने जा रहा हूँ। चलिए आजमा कर देखते हैं। 1, 2, 3। एक सेकेंड, अभी अभी मुझे एक बात याद आई है। वैसे पिछली दफ़ा मैंने ये कारनामा करके दिखाया था, विज्ञान के खातिर मैंने इसके मिनी मॉडल यानी कि एक बेबी मॉनिटर के जबड़े में अपनी उंगली दे दी थी ताकि आपको ये बता सकूं कि मॉनिटर लिजर्ड्स के काटने के बाद इंसान को किसी तरह का जान का कोई भी नुकसान नहीं होता। ये बात सच है कि यह जानवर काट सकता है लेकिन यह जहरीला नहीं होता। हालांकि छोटा मॉनिटर अगर आपको काट ले तो आपको थोड़ी सी चोट लगेगी, लेकिन इस आकार का मॉनिटर अगर आपको काट ले तो थोड़ी ज़्यादा चोट लगेगी, क्योंकि इनके जबड़े के अंदर छोटे छोटे लेकिन रेजर की तरह शार्प दांत होते हैं और वो दांत आपको अच्छा खासा घाव दे सकते हैं। इसीलिए इनसे बाइट लेने का और मेरे हाथ के ऊपर कोई घाव लेने का इस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है। अब इसकी खाल देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल किसी डायनासोर की तरह लगती है। और सबसे अच्छी बात यानी कि इसका ये जो मुँह है
वो बिल्कुल किसी वेलोसिरेप्टर की याद दिलाता है। वैसे डायनासोर्स का और इनका आपस में कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिखने में बिल्कुल वेलोसिरेप्टर की तरह ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके नाखून, ये बहुत ही बड़े और बहुत ही पहने होते हैं। इनके नाखूनों में इतनी काबिलियत है कि ये किसी भी जानवर की खाल को बड़ी आसानी से चीर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम टिश्यू पेपर को चीर लेते हैं। और यही बात इन शिकारियों को ख़तरनाक बनाती है। इनकी नज़रें काफ़ी तेज़ होती है, इनकी सुनने की क्षमता ज़बरदस्त होती है, और इसीलिए मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि ये एक अल्टीमेट एपेक्स प्रीडेटर है। वैसे माना जाता है कि मॉनिटर लिजर्ड्स लगभग 9 करोड़ साल पहले इस धरती पर आई थी, यानी कि ये मगरमच्छों के बाद दूसरी ऐसी सरीसृपों की प्रजाति है जिसने डायनासोर्स के भी युग को देखा है और कलयुग को भी। इनकी पूंछ बिल्कुल किसी हंटर की तरह होती है, और ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है। ये शिकारियों को दूर रखने के लिए पूंछ का ज़ोरदार प्रहार करती है, लेकिन अगर इसने आपके ऊपर प्रहार कर भी दिया तब भी आपको बस थोड़ी सी चोट लगेगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनकी पूंछ में कोई भी जहर या जहरीला काटा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर ये अब मुझसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने किस तरह से मेरे हाथ को अपने नाखून से ग्रिप किया है। देख रहे हैं आप इसके नाखून मेरी त्वचा में कैसे धंस रहे हैं। अगर ये चाहती तो मेरे हाथ को बड़ी आसानी से चीर सकती थी, लेकिन जानवरों की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि ये कभी भी आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि आप इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो चलिए मैं इस लिज़र्ड को यहाँ पर आज़ाद कर देता हूँ इस परिवेश में, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पर आराम से बिताएगी। ये जानवर वाकई में ज़बरदस्त है। मॉनिटर लिजर्ड्स की खासियत है कि ये जहरीले सांपों को भी चट कर जाती है, इसीलिए इनका हमारे इलाके में होने का मतलब है सांपों का सफाया। बदकिस्मती से हमारी अज्ञानता की वजह से मॉनिटर लिजर्ड्स और जंगल कैट आज विलोपन के खतरे से घिरे हैं, क्योंकि इनका उनके मांस और खाल के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। भारत में कानूनी संरक्षण होने के बावजूद आज भी स्थानिक लोग इनका शौकिया शिकार भी करते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनियन टाइगर की तरह एक दिन ये प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी।